الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد وقال عليه الصلاة والسلام برادران الإسلام अमूमी तौर पर मुल्क हिंदुस्तान के बाशिंदे हम तमामी हिंदुस्तानी नागरिकताओं से ये अपील करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिंदुस्तान ये गंगा जमुना तहजीब का एक गहवारा है। यहाँ पर बसने वाले एक बहुत ही बड़े चमन के मानिंद इंसान बसते हैं। जैसे एक चमन होता है, चमन के अंदर कई फूल खिलते हैं और तमाम फूलों को मिलाकर एक बेहतरीन गुलदस्ता सजाया जाता है। उस गुलदस्ते की रौनक और उसकी नशोनुमाई उस बागीचे की खूबसूरती होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती भी हम तमाम जाति धर्म लोगों का एक साथ रहना और एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना है। लिहाजा हम तमामी हिंदुस्तानी नागरिकताओं से अपील करते हैं कि हम अपनी गंगा यमुना तहजीब को तार तार न करें, उसको ठेस न पहुँचाए और उससे बिखेरने की कोशिश न करें, बल्कि अपने अंदर भाईचारगी, उखुवत, हमदर्दी, मिलनसारी को पैदा करें और हमारे तमाम जाति धर्म के लोग अपने तमाम धार्मिक स्थानों की और धार्मिक महापुरुषों की और धार्मिक गुरुओं का अदब एहतराम करने की फिक्र करें, चाहे वो इस्लामिक धार्मिक महापुरुष हो, गुरु हो या हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी धार्मिक मजहबों के गुरु हों, हम उनका अदब एहतराम करें। माजी में पिछले महीने के अंदर घनसांगी तालुका ज़िला जालने के अंदर एक शरपसंद शख्स ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फेसबुक पर गुस्ताखी की है, जिससे मजहब इस्लाम में तमामी मुसलमानों को ठेस पहुंची है और उनके दिलों को चूर चूर किया गया, जिससे हमारी गंगा जमुना तहजीब के ऊपर भी एक बहुत ही घटिया माहौल बढ़ता होता है। लिहाजा हम अपील करते हैं तमामी हिंदुस्तानी भाइयों से, चाहे हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, हम जिस जाति धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि हम तमाम मिलकर अपनी गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखें, एक दूसरे के धार्मिक गुरुओं का अदब एहतराम करने की फिक्र करें और प्रशासन से और हुकूमत से हम अपील करते हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसी घटनाएं घटी और ऐसी घटनाएं हो और जहाँ कहीं भी ऐसे धार्मिक गुरुओं को निशाना बनाया जाए या धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया जाए, प्रशासन और हुकूमत इसके लिए कोई नया कानून बनाए, इसके लिए कोई ऐसी मुहिम चलाए और इसके लिए कोई ऐसी सज़ा का इंतखाब करें कि हमारे गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहे, हिंदुस्तान का माहौल बरकरार रहे, एक दूसरे के अंदर अमन भाईचारगी बाकी रहे, अमन शांति बरकरार रहे। ऐसे हम अपील तमाम सोशल मीडिया से भी करते हैं और हिंदुस्तानी हमारी सोशल मीडिया से इसी के साथ प्रशासन से और हुकूमत से अपील करते हैं कि जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमारी गंगा जमुना तहजीब तार तार होती है, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करें और उनको अटक करने की फिक्र करें और उनके ऊपर कोई कायदा आयद करें और उनकी जुबानों को, कलम को और उनकी सोच और विचार के ऊपर लगाम लगाने की फिक्र करें। अस्सलामु अलैकुम।